प्रणाली की सबसे पहली पसंद स्वर्णाभूषण। और जब स्वर्णाभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में डायल 100 पर पदस्थ पुलिसकर्मी के साथ गाली गुलौज तथा मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को जावर गांव के मुख्य रोड पर पैदल भी घुमाया, जहां उसने लोगों को डरा धमका कर रंगदारी दिखाने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने डायल 100 पुलिस को इसकी सूचना दी थी। मौके पर पहुंची डायल 100 की पुलिस के ऊपर आरोपी ने हमला कर दिया था। पुलिस आरक्षक के साथ गाली गलौज कर हाथापाई भी की थी। इसके बाद जावर थाना पुलिस ने इस मामले को तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को आज गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जावर थाना प्रभारी गंगा प्रसाद वर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई कर गाली गलौज करने वाले आरोपी को आज गिरफ्तार कर हमारे द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है। ये आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोपी द्वारा पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया था। ये वही आरोपी है जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, आज आरक्षक के साथ कल मार्केट का मामला आया था, आरोपी पकड़ा गया, क्या कुछ मामला था? सर, एक ग्राम शिवना में जो है पवन पाटीदार से जो है रुखड़ू नाम के व्यक्ति ने शराब पीने के लिए 1000 रुपये की मांग की थी, तो सरपंच महोदय के द्वारा जो है रुपए देने से इनकार किया था। तो वो धराता लेकर गांव में घूम रहा था और फिर सरपंच को भी मारने के लिए दौड़ा था और गाली गलौज कर लड़ाई झगड़ा किया था उसने, और शराब के नशे में था। फिर वो गिर भी गया था, चोट वोट भी लगी थी उसको। फिर वो सरपंच ने फिर डायल 100 पे सूचना दी थी, तो थाना जावर से जो है पुलिस आरक्षक सुरेश चौहान मैं वाहन के वहाँ गए थे गांव में। फिर आरोपी को तलाश किया था जो धराता लेकर घूम रहा था, तो उसको जो है पुलिस वाहन से मैं बैठने और लाने के लिए बताया गया था। तो उन्हें जो है पुलिस आरक्षक सुरेश चौहान से भी जो है जुमा झटकी कर उसको भी धराता वगैरह से जान से मारने की धमकी दी थी जो है। फिर उसको बाद में जो है उसको रुको नाम के व्यक्ति को जो है वहां से साथ में सुरेश चौहान द्वारा जो है थाने पे लाया गया था, और सुरेश चौहान की रिपोर्ट पे जो है आरोपी रुको के विरुद्ध जो है शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का और गाली गलौज करना और जान से मारने की धमकी देना और उसकी रिपोर्ट दर्ज की थी। और आज रुकड़ू को जो है माननीय न्यायालय खंडवा के समक्ष जो है पुलिस रिमांड जहां हेतु पेश किया गया है।